इंदौर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में भी शामिल हुए। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश में हो रहे बदलाव पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में तकनीक हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, जो कि अच्छे बदलाव के संकेत है। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष उपस्थित लोगों के सामने रखा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने आईएमए के इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में तकनीक के माध्यम से हो रहे बदलाव पर बात की। उन्होंने कई तरह के उदाहरणों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही तकनीक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में लोगों के खून में खोज करना है और हमारी सरकार इसे जगा रही है। आई थिंक द फर्स्ट इश्यू व्हिच यू नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाइल रीइन्वेंटिंग इंडिया इज टू रिकॉग्नाइज इंडिया, रिकॉग्नाइज द ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनोवेशन इज एन इंटेग्रल टू द डीएनए ऑफ इंडियंस, ये पहली बात है। और हमारी सरकार क्या कर रही है, हिंदुस्तानियों के उस इनोवेटिव डीएनए को जगा रही है। अब कल की आपने चर्चा की, कल एक बहुत बड़ा स्टार्टअप का कन्वेंशन हुआ और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री छोड़कर करके सारे मंत्री नीचे बैठे थे और पूरे स्टार्टअप के एक्टिविस्ट ऊपर बैठे थे जिन्होंने दुनिया में एक नया काम किया है। अभी ग्रुप परीक्षित अग्रवाल या प्रदीप अग्रवाल में नाम बोल रहा हूं, 22 साल के कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ, उड़ीसा के हैं, उन्होंने काम किया कि मैं दुनिया भर के होटल्स का रूम अपने ऐप से बुक करूंगा और उनके पास ताज होटल से भी अधिक रूम है। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, पिताजी का पारंपरिक बिजनेस था, तुम क्या कर रहे हो, वहां करने दीजिए। आज दुनिया के टूरिस्ट सबसे पहले उसके ऐप पर आते हैं कि हमें लंदन में, न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, थाईलैंड में होटल चाहिए, दीज रूम सर अवेलेबल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज तक देश में रोटी कैसे बांटी जाए इसे लेकर राजनीति हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी रोटी कैसे पैदा की जाए, रोटी की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए काम कर रही है। इस देश में विकास और समानता के बीच लड़ाई चलती रहती है, ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन इक्विटी एंड ग्रोथ। बिना इक्विटी के ग्रोथ हो सकता है? It will be lopsided, it will be pro-rich, it will be elitist, it will be feudal. लेकिन जेन्युइन इक्विटी के लिए ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। और हमारी पार्टी मानती है कि इस मुल्क में रोटी कैसे बांटी जाए इसकी पॉलिटिक्स बहुत हुई है, रोटी की संख्या बढ़ाई कैसे जाए इसकी पॉलिटिक्स नहीं हुई है। और हमारी पार्टी चाहती है रोटी की संख्या बढ़नी चाहिए, जिसमें आप लोगों को काम करना है। दैट इज द रीइन्वेंशन व्हिच आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द आईएमए नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन। केंद्रीय मंत्री ने आधार कार्ड और शासन की डिजिटलाइज्ड परियोजनाओं के माध्यम से भी जनता को कई तरह का फायदा पहुंचाने की बात कही। आधार कार्ड देश को डिजिटली मैप करना चाहिए। आपको बताऊं कि आज देश के 95 करोड़ लोग आधार कार्ड पर है, 125 करोड़ के देश में, और वो बिल्कुल डेटा सिक्योर है। एट ए क्लिक ऑफ ए बटन आप 95 करोड़ लोगों का नाम, उनका आई कंटैक्ट, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर। अब हमने क्या किया, गुड गवर्नेंस के लिए आधार कार्ड को कई मामलों में मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है कि भारत में विश्वास किया जाए। इसके लिए उन्होंने जनता से सरकार के साथ काम करने की अपील करते हुए इस तरह की मुहिम में साथ आने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है और इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।